प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की जीत को लेकर पत्रकार वार्ता में कहा गया कि मतदाताओं ने सरकारी प्रलोभनों को ठुकराते हुए कांतिलाल भूरिया को जिताया है। ये बात पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा, मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा सहित पीसीसी के कई पदाधिकारियों ने कही। पार्टी पदाधिकारियों ने इस जीत का श्रेय प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया को दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम झाबुआ के मतदाताओं ने बीजेपी को जता दिया है कि वह किसी भी तरह के प्रलोभनों में आने वाले नहीं है। पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी। कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार से वापसी की गिनती शुरू हो गई है। जिस ढंग से मध्य प्रदेश की सरकार ने लोकसभा रतलाम और देवास विधानसभा उपचुनाव में अराजकता, मशीनरी का दुरुपयोग, धन बल और बाहुबल का समुचित उपयोग, नौकरशाही का दबाव, अपराधियों का आतंक, शराब का वितरण और पैसों का वितरण करने के बावजूद भी असफलता हासिल की है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। चूंकि आदरणीय रामेश्वर निखरा साहब, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी की व्यूह रचना की एक कड़ी थी, जिसके बाद हमने वहां सफलता हासिल की है। कार्यकर्ताओं की महा एकता और एकजुटता के आधार पर देश के आम चुनाव की बात में ये पहला उपचुनाव हुआ है लोकसभा का, तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी की नीतियों को भी नकारा है, उनकी एक्टिंग को नकारा है, उनकी सेल्फी को नकारा है, उनकी ढकोसलेबाजी को नकारा है और देश से बाहर रहने की प्रवृत्ति को भी नकारा है। शिवराज सिंह जी ने 80 सभाएं की, हेलीकॉप्टर घूमता ही रहा, मीडिया को दीजिए पहले, पर जनता ने उस सब की परवाह नहीं की और फैसला कर लिया कि हमें अब इन धोखेबाजों से बचना है और उसने इनको सबक सिखा दिया। मैं पुनः रतलाम झाबुआ की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, जिन्होंने रात दिन एक किया, और साथ साथ मोहन प्रकाश जी, महेश भाई, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं। आप सबको फिर से बधाई देता हूं कि आपने समय समय पर, उन्होंने भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही, पर आपने हमेशा कांग्रेस को तरजीह दी, हमारी बातों को सुना है और उस बात को यथाशक्ति जितना कर सकते थे तो उसका प्रचार भी किया है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।